आपको तो समझ नहीं आएगा। अनिरुद्ध आप एक काम करो, आपके पास फोन है? क्या है? तो अनिरुद्ध ये तो क्लास आपको समझ आएगी नहीं, या तो आप वो पिछले चार वीडियो है इंटीग्रेशन के वो देख लो, ये क्लास तो आपको समझ नहीं आएगी। सर मैं एक सेकंड में, फोन है तो बेटा आप बैठ के मेरे ख्याल से वो चार वीडियो है वो देख लो, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि क्लास तो आपको नहीं समझ आएगी। लैपटॉप में देख सकता हूँ जाके, हाँ या तो घर जाके लैपटॉप में देखो या फिर यहीं बैठ के देख लो, अभी बीच में डाउट आएगा मेरे से अभी की अभी पूछ लोगे। अच्छा तो ये क्लास तो आपको नहीं समझ आएगी बेटा। देखो बच्चों, 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कौन बताएगा? देखो बच्चों, ऐसा होता है जब कभी आपके पास ऐसी टर्म आए f डैश x अपॉन f x इंटू dx, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव हो, फंक्शन भी हो, ठीक है, तो क्या करते हैं ऐसे केस में, फंक्शन को t पुट कर लेते हैं, एफ एक्स को क्या पुट कर लेते हैं, t, ठीक है। जैसे इस केस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, राइट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, तो हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट कर लेंगे तो 2x dx क्या हो जाएगा, dt, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी पुट कर लेंगे तो 2x dx। अच्छा ये 2x dx जैसे मैंने लिखा है, जैसे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर t है तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा और t का डेरिवेटिव लिखेंगे dt by dx, तो समझो कि ये dx लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो गया, dx क्या हो गया, लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो गया। इंटीग्रेशन में ऐसे dt, यस एक बार शुरू से समझा दो, पॉइंट ही नहीं समझ आया। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास हो कि एक फंक्शन उसका डेरिवेटिव साथ में हो, कोई फंक्शन हो साथ में उसका क्या हो, डेरिवेटिव हो, ऐसे फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। जैसे 2x dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है 2x dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, राइट, तो इसमें देखो 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, x स्क्वायर का हो गया 2x dx दैट इज इक्वल टू dt, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ 2x और t का डेरिवेटिव क्या dt by dx। अर्जुन इधर ध्यान दो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x और t का डेरिवेटिव क्या होगा dt by dx। आप यूं समझ लीजिए कि इस dx को मैंने लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दिया तो राइट में क्या बचा सिर्फ dt, ठीक है, ये समझ आया? यस सर। ये 2x dx into dt, यहां पर देखो 2x dx, ये dx मैंने डबल लिख दिया, 2x dx, 2x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt के इक्वल आ गई, तो हम अपने क्वेश्चन में 2x dx का जगह क्या पुट कर देंगे, dt पुट कर देंगे, और 1 plus x square को हमने क्या सब्सटीट्यूट किया था, t सब्सटीट्यूट किया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बन गया हमारा 1 upon x dx टाइप का, 1 upon x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log of t, 1 log of x plus c, फॉर्मूला याद है ये सभी को, 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of x plus c, तो 1 upon t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log of t plus c, और t को हम सब्सटीट्यूट करेंगे, क्या क्या सब्सटीट्यूट करेंगे t को,
टी को हमने अज्यूम किया था वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो टी के जगह हम वापस वन प्लस एक्स स्क्वायर डाल देंगे प्लस में सी, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। बताओ किसी को कोई डाउट है तो। कॉपी करो, डाउट नहीं है तो इसको। The number you have dialed is currently busy. हो गया बच्चों, ही सम हो गया। और एक मिनट, चलो आगे। चले बच्चों। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। आज डीके साकेतपुर का स्कूल है क्या, पता हो आपको? सर कौन से स्कूल का? डीपीएस आर के ब्रू। नहीं पता सर। ये देखो जरा, वन अपॉन एक्स डी एक्स, इक्वल टू डी टी। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? लॉग एक्स को हमने ले लिया टी, वन अपॉन एक्स डी एक्स क्या होगा? डी टी। इसमें कोई कंफ्यूजन? वन अपॉन एक्स और डीएक्स को क्या लिख सकते हैं हम, बताओ जरा। वन अपॉन एक्स एंड डीएक्स को क्या लिख सकते हैं? डीटी। इसको हम डीटी लिख सकते हैं। और लॉग एक्स को हमने टी लिया है तो क्या बन गया ये? टी स्क्वायर। डीटी। हाँ अनिरुद्ध सर, मैं आपको वीडियो देख रहा हूँ, आपका जो वीडियो पहला वीडियो वो क्वेश्चन 11 से साथ होगा। क्या रहा है आपका वो क्वेश्चन 11 से स्टार्ट हो रहा है?
कौन सा इंटीग्रेशन वन वीडियो आपका? तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन हो गया, क्या हो गया बताओ? सर पी क्यूब बाई थ्री प्लस टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी। टी क्यूब की वैल्यू डाल दो वापिस। टी क्यूब की वैल्यू टी क्या, टी क्यूब की वैल्यू क्या होगी बताओ? लॉग ऑफ एक्स, लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू। एक मिनट दो बेटा, एक मिनट दो। मेरा लैग कर रहा है यार, एक है बताओ क्या होगा इस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो बच्चों? थर्ड क्वेश्चन किस किस को समझ आया? नीचे से पहले एक्स कॉमन लो। उसके बाद वन प्लस लॉग एक्स को टी पुट करो बच्चों। कर रहे हो? यस सर। आज डेट क्या है? 16 जुलाई सर। 16 पिछली क्लास हमारी थी, मतलब 11 से पहले हमारी क्लास थी 9 को। सर 14 को थी पिछली क्लास, 14 को थर्सडे को। सर थर्सडे को 6:30 से 8 ये कैसे होगा? हाँ हो गया बच्चों ये। सर कर दो एक बार। कौन पूछ रहा है? मैं पूछ रहा हूँ सर। आप मतलब अर्जुन? यस सर। हमने इंटीग्रेशन 9 तारीख को शुरू किया था या 11 को शुरू किया था? दो क्लास हुई है। सर इंटीग्रेशन हमने 11 को शुरू किया था, वो पहली क्लास थी। अच्छा 11 को शुरू किया था। ओके ये नहीं आया आपको? वन प्लस लॉग एक्स को टी पुट करो। वन प्लस लॉग एक्स और टी पुट करो, वन अपॉन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो वन अपॉन एक्स और डी एक्स ये डी टी में चला जाएगा, तो डी टी अपॉन टी आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग टी। करो जरा।
एक मिनट अनुरोध, एक मिनट. हाँ बच्चों, किया आपने ये? अर्जुन को कौन तंग कर रहा है? सर मासी है ये. अच्छा सॉरी, मुझे लगा कि अर्जुन को. आप सिस्टर, सिस्टर अर्जुन आपकी? यस सर. आपकी सिस्टर भी है? यस सर. अच्छा, आप बड़े हो या सिस्टर बड़ी है? सर मैं बड़ा हूँ. कौन किसको तंग करता है? वो मेरे को तंग करती है ऑब्वियसली. अच्छा, ये छोटे बहुत शैतान होते हैं, इनसे थोड़ा ध्यान रखा करो. रखना पड़ता है सर. यस सर. ये छोटे वाले बड़े शैतान होते हैं. मेरा भी बड़ा बैड छोटे वालों में. ये बहुत शैतान करते हैं, ये तंग बहुत करते हैं और फिर उल्टा हमें ही डांट खानी पड़ती है ना. यस सर. वैसे अर्जुन तो वैसे भी किसी को क्या तंग करेगा, अर्जुन बेचारा सीधा समझता है. सर एकदम सही पकड़ा है सर, ऐसा ही है सर. अब अर्जुन दिवेश की तरह सैदान तो है नहीं. ये सम हो गया बच्चों सबका. लॉग टी की वैल्यू डाल दी आपने. लॉग ऑफ पी, पी को आप डालेंगे लॉग ऑफ वन प्लस लॉग एक्स प्लस में सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में बताओ क्या करेंगे. फोर्थ क्वेश्चन में क्या करेंगे बताओ, बता सकते हो? फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों साइन एक्स है, साथ में कॉस एक्स है. तो साइन का, कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है. इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स. बताओ क्या करेंगे. देखो कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स. हम कॉस एक्स को टी पुट करेंगे. करो इसको एक बार ट्राई. सॉरी हुआ. हुआ क्या?
देवेश समझ आया? हाँ सर सर ई को क्या सब्स्टिट्यूट किया था हमने? सर माइनस साइन टी डी एक्स कैसे आया? कॉस को टी पुट किया था, ठीक है सर, कॉस को माइनस साइन टी डी एक्स, यस सर। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स टी टी के इक्वल आ गया, ठीक है। एंड सर माइनस टी साइन टी डी एक्स नहीं होगा, तो माइनस को राइट में ले गए तो साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी डी टी हो गया। अब इसको क्वेश्चन में डाल दिया, क्वेश्चन में डाल दिया तो क्या आ गया, साइन डी एक्स साइन एक्स डी एक्स के जगह तो माइनस डी टी हो गया, माइनस डी टी डी टी, और साइन ऑफ कॉस के जगह टी डाल दिया था तो ये साइन टी बन गया, साइन टी डी टी माइनस बार आ गया। कॉस साइन का डेरी इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, टी की अगेन वैल्यू डाल दी हमने, कॉस एक्स बन गया, ठीक है। यस अनिरुद्ध, अनिरुद्ध अभी दो मैंने दो लेटेस्ट वीडियो अपलोड किए हैं उनको देखो एक बार, उनमें से एक फर्स्ट होगा, चेक करो एक बार, ये समझ आया क्या, ये समझ आया? आप कुछ बोल रहे थे? अभी लेटेस्ट दो वीडियो अपलोड किया उनको देखो, इनमें से एक फर्स्ट होगा एक सेकंड होगा। ये तो सेकंड लग रहा है, फर्स्ट वाला भी आया ही नहीं। कौन से गेट में चला गया पता नहीं। ये सम हो गया सबका? यस सर। अगला सम ट्राई करो, साइन एक्स एक्स प्लस बी को रखेंगे ना टी, साइन एक्स प्लस बी को टी पुट करो, पावर इंक्रीज होगी तो पावर हो जाएगी 3/2। अनिरुद्ध मिला क्या? आने वाला cos of ax plus b into a into dx dt होगा, तो cos of ax plus b into dx is equal to dt upon a आया। ये dt upon a हो गया, this is इसको t लिया था हमने, और dt upon a होगा, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस में सी, टी की वैल्यू वापस डाल दो।
ठीक है, हो गया क्वेश्चन सर? ये क्या लिखा है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का फॉर्म कैसे लिख देते हैं, आई इज इक्वल टू आई, हमारा ये बन गया। यस देवेश, कंफ्यूजन नहीं सर? सॉरी पावर बता दो क्या किया आपने, कहाँ पर जो जो आपने ये लिया एटी कहाँ से आया? सर एटी डीटी एटी कहाँ से आया सेकंड वाले में, मतलब डेरिवेटिव नहीं आता आपको? क्या लिखा आपने, साइन ए एक्स का डेरिवेटिव इक्वल साइन ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन ए एक्स का डेरिवेटिव करो कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी ये लग जाएगा, ये आ जाएगा डोमेन ही आएगा। यस सर, फ्रॉम एटी की लिखा है सर, वो इक्वल्स टू एटी सो इक्वल्स टू एटी क्यों लिखा है? हाँ सर वो क्यों लिखा इक्वल टू डीटी सर, वही मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आपने ए लिखा हुआ है, एटी क्या होता है सर? हमें लगा ए है वो डी की तरह। आपको पांचवे सम पे हो, आप इतना कि भी टी का डेरिवेटिव करते हैं तो राइट में डीटी नहीं लिखते हैं, पांचवे क्वेश्चन पांचवी बार लिख रहे हो सर, इसलिए तो पूछ रहे थे कि आपने एटी एटी लिखा है, इसलिए तो कंफ्यूजन हो रही थी। इतना तो खुद से समझ आना चाहिए कि क्या है, बाहर केमिस्ट बैठा होता है, अंदर से डॉक्टर की पर्ची जाती है, इतनी गंदी हैंडराइटिंग है, वो बाहर सब बैठ के समझ जाता है, आप तो मेरे सामने बैठे हो, पांचवा क्वेश्चन लिख रहे हो। सर आपने सेम वीडियो वापस अपलोड कर दिया भाई, आप क्या चाहिए आपको, आपने मुझे सेम वीडियो था वो वापस अपलोड कर दिया, तो यही वीडियो है और क्या है, इन्हीं में कोई फर्स्ट हो भी देख लो यार। अनिल दा पहले तो आप बताते नहीं हो, पहले नहीं बताना चाहिए था आपको कि पिछली क्लास में मैंने अब्सेंट था, मैं आपका अगली क्लास में मैं पढ़ने लायक भी हूँ या नहीं हूँ बताना चाहिए था। अब आप उसमें भी कौन सी वीडियो वापिस अपलोड कर दी मैंने, आप यार ना तो क्लास पढ़ाने दे रहे हो। ठीक है सर, मैं आप आराम से कर दूंगा, दो मिनट रुक, थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आने तो समझ भी करो यार, क्या हो जाएगा अगर थोड़े रिस्पॉन्सिबल बन जाओगे तो। बस एग्जाम के टाइम आप लोगों को सब चीजें याद आती है, वरना तो कुछ याद नहीं होता है। अब आप पहले बात नहीं कर सकते थे मुझसे इस बारे में, 10 दिन से मैंने वीडियो अपलोड करके छोड़ी हुई है। सर सिक्स्थ क्वेश्चन में टी क्या लेंगे? सिक्स्थ क्वेश्चन में टी क्या लेंगे? अनिल बाद में देखना, अब पता नहीं है। अब ना तो इनको पढ़ा पा रहा हूँ मैं। सर आपका जो आंसर कैसे आया? क्या बताओ आपका आंसर में कॉस कैसे आया, साइन आना चाहिए था, टी पे साइन लिया था। हाँ बोलो कौन क्या पूछ रहे हैं? सर मैं पूछ रहा था कि हमारा जो
कॉस में कैसा है क्योंकि साइन हमने टी लिया था तो टी स्क्वायर अरे डालेस तो बहुत है यार बड़ा धीरे बोल रहे मुझे राजेश की आवाज सुन रही है आपकी तो सुनी नहीं रही तो लैपटॉप को आप अपने साइड में रखो थोड़ा आपका आंसर कॉस में कैसे आ रहा था साइन में नहीं आना चाहिए क्योंकि टी साइन लिया था हाँ साइन में लिया था साइन आना चाहिए साइन में लिया था तो साइन आना चाहिए सो सिक्स्थ में क्या लेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन रूट ऑफ एक्स प्लस बी को टी लेंगे इनटू डीएक्स पुट एक्स प्लस बी को टी ले लिया हमने ए इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा ठीक है ए इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी तो डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी अपॉन ए डी टी अपॉन ए इसको रूट पी लेंगे डी एक्स क्या आएगा डी टी अपॉन ए ठीक है हो गया यस सर एक सेकंड ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ आ भी रही है या मैं दोबारा शुरू से शुरू करवाऊं नहीं नहीं सर साथ साथ समझ आ रही है आ रही है सर आ रही है चलो आगे चलो फिर यस सर बस वो भी अपने आप नहीं बहुत चल रहा है सर कि टी को क्या लेना है रूट ऑफ एक्स प्लस टू डी एक्स बताओ टी को कौन बताएगा टी को क्या लेना कौन बताएगा टी को क्या लें चलो फिर x प्लस टू को टी लो तो डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स हो गया टू कॉन्स्टेंट है जीरो हो गया डी टी का क्या हो जाएगा डी टी ठीक है x x is what x is equal to dmx 2 this is root of t dt iska integration karke dikhao
कैसे करेंगे?